हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस सारू। आज हम बनाएंगे बहुत जल्दी बनने वाले वेज फ्राइड राइस। वो मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए आज मैं इसकी चॉइस का बनाऊंगी। आप बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगी मम्मी, हम खाएंगे और बताएंगे कि हमें कैसे बने। हम तैयार कर लेते हैं। ये एक गिलास चावल, आधी कटोरी मटर जो हमने उबाल के रखे हैं, दो मीडियम साइज के प्याज, आधी शिमला मिर्च, एक गाजर, 8 से 10 बीन्स, एक टीस्पून सिरका, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून गार्लिक जो हमने ग्रेट करके रखा है, आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं, 3 हरी मिर्चें जिसे हमने बड़ा बड़ा काट लिया है, 1 टीस्पून अदरक है ये, इसे भी हमने चॉप किया हुआ है, 3 से 4 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और नमक आपके स्वाद के हिसाब से। तो आइए हम सबसे पहले चावल उबाल लेते हैं। उसके लिए हमें पतीले में पानी रख लिया है और उस पे नमक डाल दिया है। अब इस पानी में थोड़ा सा उबाल आने के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अच्छे से धोए हुए चावलों को डाल देते हैं। जब तक हमारे चावल उबल रहे हैं तब तक हम सब्जियों को अच्छे से काट लेते हैं। ये सब सब्जियों को हमने इस साइज में काट लिया है। ये देखिए हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं। इन्हें हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये दाना टूट जाएगा। इसके लिए हमें खड़े खड़े चावल चाहिए। देखिए अब हम इसका पानी अलग कर लेते हैं। ये देखिए कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है फ्राइड राइस बनाने के लिए। ये हम काली कढ़ाई यूज कर रहे हैं लोहे की। इसके अंदर बना हुआ खाना हेल्दी भी होता है और इसमें एक फ्राइड राइस में एक अलग सा फ्लेवर भी आएगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे गार्लिक। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा और भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें बीन्स डाल देंगे। हमें सब्जियों को खड़ा खड़ा रखना है, इनको बहुत ज्यादा भूनना नहीं है वरना ये क्रिस्पी नहीं लगेंगे खाने में। अब थोड़ा सा और भूनने के बाद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। सब्जी अभी बिल्कुल खड़ी खड़ी है। साथ ही हम इसमें अब शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। साथ ही हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखिए सब्जियां हमारी पक भी गई हैं और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ढीली रहे, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा क्रिस्पी भी अच्छा लगता है। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। नमक मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें चावल भी ऐड करते हैं।
और हम इसमें सॉसेज ऐड करते हैं। और ये सिरका और काली मिर्च। अब हम इसको जल्दी से हिलाएंगे। चावल का दाना टूटना नहीं चाहिए, आपको इस तरीके से हिलाना है, नहीं तो आप दो कड़छी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए राइस में सब्जियां कितनी अच्छे से मिल गई है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। आप इसमें ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, वो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी और गार्निशिंग के लिए भी, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो मैंने वो यूज़ नहीं किया है। देखिए राइस हमारे अच्छे से बन गए हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो आइए अब हम रिव्यू ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बने, सोया सॉस की खुशबू भी आ रही है। ऐसे फ्राइडेज घर में बहुत जमाने बाद बनाए मम्मी ने, वरना ऐसे बनते नहीं थे, वीडियो के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया बने, मटर भी अच्छे से गल गए, चावल भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बने, लाजवाब। तो इन्हें तो हमारे राइस बहुत पसंद आए हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए और खा के बताइए कमेंट में कि कैसे बने हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।